देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मोदी सरकार की दूसरी टर्म का अज तीसरा बजट सी। इस तीसरे बजट के सब तो वड्डा अगर कट लग्या तो वह किसानी दे उत्ते वह कट लग्या। तो इस कट नूं किसान जथेबंदियां किस तरीके देखदियां इस बारे गलबात करने लिए साडे नाल इत्थे रणजीत सिंह राजू जी ने। राजू साहब, राजस्थान के बहुत वड्डे लीडर हो, खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होंगी है राजस्थान, भी पूरे देश होंगी है, 65-70% किसान नहीं, लेकिन फिर भी लगातार मोदी सरकार के कट क्यों लग रहे हैं बजट के? हर बार किसानी के लिए जो बजट रखा जाता वो पिछली बार के मुकाबले घट रखा जाता, कारण की लग रहा है? ये सवाल तो मैं सरकार को बनता है, सरकार को पूछना बनता है भी तुम एक बने तो किसान है तो किसानों का भला करने की गल करते हो, दूजे बने बजट कट कर रहे हो। हुण मैं तेरा भला करने की कोशिश करा, तेन पहला 500 देव, अगले महीने 300 देव, भला कदना होना है। सो अस तो इन्ना कह सकते हैं जो बजट सरकार ने पेश किया ये निराशाजनक है, ये बजट इस अंदोलन के विरुद्ध है, ये बजट मैसेज दे रहा है भाई हे ता जोर होर देखना, साडा जोर होर देखने, असी पीसफुल लड़ाई लड़ रहे हैं, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं, असी सड़कों पर बैठे हाँ, 2-2.5 महीने बैठे हैं, होर दिन धरमा बा लैन मैं इन तैयार हाँ, पर जी सा मौत आ 3 काले कानून वो वापस कटा के जावे, तो जी MSP का खरीद गरंटी कानून वो बनवा के जावे, इदू कटे जाते नहीं गे, क्योंकि तुम वे वे तन्ना सेठा 6-6 लाख करोड़ रुपया, 8-8 लाख करोड़ रुपया मगर 8 साल छड़े हुए, साढ़े को अधिकारिक RTA लैके रिपोर्टा साढ़े को हैगियाँ, साढ़े वास्ते देश के 70% जो वर्ग है, प्रतिशत वर्ग हैगा वो वास्ते तो 3-4 लाख करोड़ रुपया नहीं दे सकते, तो यदा मतलब तुम साढ़े ना हो के चंद बंद हो, चंद बंद नोट दे सकते हैं, वोटा असी देनिया है, तो जे तुम आही काम रहा तुम ना समझे ना साड़ी गल्लां मनिया तो ये इतिहास रच के जाओगे भी नरेंद्र मोदी भाजपा का अखीरला प्रधानमंत्री सीगा, अमित शाह जिमें अडवाणी ने वेटिंग सीगा तो अमित शाह ने वेटिंग ही रहेगा। एलोकेशन हर बार बजट के होंगी है, किसानी लिए भी एलोकेशन बहुत होंगी है, इस बार तो एलोकेशन के नाम से 0 देखने मिले, एलोकेशन ही नहीं हुई, की खर्चना की गवाना उसका हिसाब किताब तो आने वाले दिनों होना की है, एलोकेशन ही किसान जथे किसानों के लिए देश के लिए हो ही नहीं। इस बार FCI एक संस्था ऐसी है जी प्रोक्योरमेंट करती है मेन तौर पर धान की कणक की, FCI घाटे च है, FCI मदद की लोड़ है, तो साडा जो शरीक माड़ा हो जाए ना तो जो वड्डा भरा जां कबीला ढंग दा होवे तो माड़े बंदे नूं मदद करके चक लैंदे आ। सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं गी, ये साडे रहनुमाई वास्ते इहदा काम आ वी टैक्स लै के कित्थे जरूरत उत्थे पे करना। पिछले साल मैनूं एग्जैक्ट नहीं पता, मेरा ख्याल 1,33,000 करोड़ रुपये लमसम इन्होंने FCI नूं दित्ता सीगा, मदद की सीगी। इस बारी FCI नूं जिहड़ा पता लग्गिया मोटा मोटा, सानूं खबर आई हैगी आ, एक्चुअली मीटिंग सीगे पर फिर जो खबर आई है मोटी मोटी वी 0, 1-0 तक FCI ने दिता। योगेंद्र यादव तो यह भी कहते हैं कि FCI खत्म करने की कवायद शुरू हो गई, क्या जा रहा है कि FCI खत्म ही कर दो, इस करके एलोकेशन ही नहीं की जा रही? नहीं, 2014 के जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ही कहती है, शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है भी FCI एक भ्रष्ट हाथी है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, इस करके खत्म कर देना चाहिए। हुण मान ला भी मेरे तो फोड़ा लग गए, निकल गया, जख्म हो गया, पूरा गल गया, तो इलाज कराऊंगा, हाथ वढ़ूंगा, इलाज कराऊंगा ना, जे भ्रष्टाचार हो गया तो भ्रष्टाचार खत्म करो, क्योंकि तुम ये कह के आए थे कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो अच्छी खाने क्यों दे रहे हो, ये ताड़ी कमी है, आपकी कमी दूर करो, ताड़ी कमी करके एक संस्था को, सरकारी संस्था को, एक एड्डी वड्डी संस्था को, जो एड्डे वेयर हाउस है, एड्डे गोडाउन है, इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने खत्म करोगे एक देश की बहुत वड्डी धरोहर का नुकसान होगा, किसान का नुकसान होगा। इस करके जो 0% बजट रखा है इतों FCI खत्म होनी नहीं हो रही तो होनी निश्चित लग रही है, तो जो FCI के कर्मचारी है वह भी हुण तैयार हो जाए, ताड़ियां भी सीटां ते ताड़ियां भी नौकरियां जाने वाली। तुसी किसान आगू हो, किसानी लिए बहुत वड्डी गल आ, FCI खत्म होगी तो CCI लिमिट भी खत्म हो जूगी, किवें खरीदया जाऊगा, किवें अनाज बेचा जाऊगा, किस तरीके ना सारिया चीज़ा व्यवस्था होगी, ये तो बहुत वड्डी चिंता की गल है। तुहानू लगता नहीं कि इस मसले नू गंभीरता नाल चकना चाहिए, तुहानू प्रोग्राम उलीकने चाहिए है अगर सरकार इहो जिहा कुछ करन भी जा रही है? जे भी जी चिंता है तो इन सड़क ते आ, जे चिंता ना होंगी घर ना बैठे होंगे रजाइया, तो 3 कानून की गल है ना, FCI खत्म करना तो उस तो भी अगला कदम। देखो वीर जी पता की है, शुरुआत 3 कानूनों तो की थी, क्योंकि सब तो पहले इन्होंने पहला स्टैप चुका, 3 कानून पास किए, 3 कानून जोड़े किसान प्रभावित नहीं करते,
वह मार्केट में प्रभावित करते हैं, शहरी मजदूर को प्रभावित करते हैं, शहरी मध्यम वर्ग को प्रभावित करते हैं, ग्रामीण मजदूर को प्रभावित करते हैं। असं तीन कानून चक्या फिर आख्या नहीं एम एस पी होनी चाहिए है, नाल बिजली स्रोत बिल, नाल पराली वाला बिल, चार चक्के ना हुण अज सरकार की मंशा क्लीयर हुई है भाई एफ सी आई ने जीरो बजट दे के इन्हें एक संदेश देता भी एफ सी आई लंबे चर वास्ती लंबे देश का घोड़ा नहीं। हुण जिहड़ी अगली मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे की होगी वो तय करांगे, वो तय करके एजेंडे लैके आवांगे, जो बहुमत नाल जां सर्वसम्मति नाल ये तो सर्वसम्मति हो ही जानी चाहिए है, क्योंकि मसला एफ सी आई का भी है, मसला संघी ढांचे का भी है। संघी ढांचा तो पहले ही संघ कुट दिता गया, तो लगता है एफ सी आई खत्म हो जूगी, संघी ढांचे ते भी एक इनडायरैक्टली तरीके दे नाल अटैक हो जाना। बिल्कुल जी, एक सिस्टम खत्म हो जाए, एक संघी ढांचे ते अटैक होया, जिहड़े हवाई अड्डे है, रेल है, एफ सी आई है, तुहाडी अपना एलूमीनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, टिहरी है, किन्नियां चीज़ां हैगियां तुहानूं गिना सकदा मैं, वह सर संघी ढांचे सी सारा, वह सारे संघी ढांचे ते प्रहार हैगा। देखो साडी प्रॉपर्टी की है, मेरी प्रॉपर्टी सड़क है, मेरी प्रॉपर्टी सी सी दी फैक्ट्री है, मेरी प्रॉपर्टी एफ सी आई है, मेरी प्रॉपर्टी रेल है, मेरी प्रॉपर्टी स्कूल है, यह सारा संघी ढांचा ही है। तो असीं तां सड़कां ते बैठे संघी ढांचे नूं बचाउण वास्ते हाँ, पब्लिक सैक्टर नूं बचाउण वास्ते हाँ, आपदे देश नूं बचाउण वास्ते हाँ, आपदे देश नूं चन्न बंदे दे हाथ देण तों बचाउण वास्ते बैठे हैगे, उहदे विच ही इक एफ सी आई है। धन्यवाद जी, गलबात, थैंक यू। तो इन्हें रणजीत सिंह राजू जो कि सीधे तौर पर घेर रहे केंद्र सरकार नूं, अते नाल ही नाल इह वी कहा जा रहा है कि जो बजट अज पेश किया गया वह कितने ना कितने निराशाजनक है, किसान हकी नहीं है। कैमरामैन दीपक दे नाल रविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।